Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My all dear students and viewers, welcome back to our channel. Students, jaisa ki aap jante hain ki hum parts of speech ko discuss kar rahe the, theek hai, to uske andar humne parts of speech mein tamam cheezon ko discuss kar liya tha, ma siwa injection ke. To inshallah azawajal aaj hum interjection ko, to interjection ko bhi aaj hum discuss kar lenge, to is tarike se hamare tamam parts of speech complete ho jayenge. Theek hai, iske baad inshallah azawajal hum ek comprehensive टेस्ट जो है वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ. तो जो भी बच्चे नेट पे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स ले रहे हैं, उसके बाद वो टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा. और उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि मेल पे सेंड भी कर दिया जाए, ठीक है. मेल का भी आपको दे दिया जाएगा रेफरेंस. तो इंशाल्लाह जब जल्द उसके बाद चेक करके आपके पास आपकी रिपोर्ट आ जाएगी कि आपने यहाँ से कितना सीखा, ठीक है. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात कहती चलूँ कि अभी तक अगर कोई चैनल कोई स्टूडेंट भी हमारे चैनल के ऊपर नया है तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है. और चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. तो इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में होता क्या है एक्चुअली, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को डिस्कस किया जाता है, ठीक है. कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनको हम इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं, ठीक है. कोई भी फॉर एग्जांपल हुरा खुशी के लिए है, अलास गम के लिए है, ओह हैरानगी के लिए है, आह खुशी के लिए है, व्हाट हैरत के लिए है, ब्रेवो बहादुरी के लिए है, हैरत के लिए है, हेलो ये भी हैरत के लिए है, ठीक है. तो इस तरीके से खुशी में, गमी में या हैरत में, इस तरीके से ये तीन चीज़ें, ठीक है, जॉय ग्रीव एंड सरप्राइजनेस, ठीक है, जिसमें आपको एक न्यू है हैरत पाई जाए. तो इन तीनों सिचुएशंस के अंदर हम इंटरजेक्शन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल तीनों की एक एक मिसाल दी गई है, ठीक है. सबसे पहले देखते हैं अलास, ही इज़ डेड, कि बहुत गमनाक बात है कि वो मर गया है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है. तो इसमें हमारे पास गम का इजहार हो रहा है कि अलास ही इज़ डेड, ठीक है. नेक्स्ट देखें तो हुरा, आई हैव वॉन द गेम, ठीक है. यहाँ पे खुशी का इजहार हो रहा है कि मैंने जो है वो गेम जीत ली है, हुर्रा आई हैव वॉन द गेम, ठीक है. तो इसमें खुशी का इजहार हो रहा है. तो इसी तरीके से नेक्स्ट है हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर, ठीक है. तो इसमें क्या है, हैरत का इजहार हो रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा हैरत की बात हो रही है. तो यहाँ पे सडन फीलिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है. सडन खुशी मिले या सडन गम मिले या सडन हैरत मिले तो उसके लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. और मेन बात जो आप सबको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर ये साइन ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको उर्दू में नदाइया या फजाइया भी कहते हैं, ठीक है. तो ये वाला साइन इंटरजेक्शन वर्ड्स के लिए मस्ट है, वरना तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है. तो आज के लिए बस ये इंटरजेक्शन तो बिल्कुल छोटा सा माइनर सा टॉपिक था, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. लेकिन इसके अलावा अगर फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बात कर सकते हैं, इंशाल्लाह जब जल्द आपका वो मसला सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है. इसके अलावा ये अब आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी करें एक दो दिन तक. आप लोगों को कुछ ही टाइम के बाद कंप्लीट टेस्ट जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, ताकि तब तक आप लोग तैयारी भी कर लें इजीली, ठीक है. मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक फी अमानिल्लाह.